छठ महापर्व वर्ष में एक बार आता है, लेकिन यह सांस्कृतिक विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है, यानी जीवंत उदाहरण है, जहां छठ व्रती बहुत कठिन परिश्रम करके, बहुत बड़ी तपस्या करके इस व्रत का पालन करते हैं। और एक ऐसे परिवार में हम मौजूद हैं जो बिहार के छपरा से यहां आए हुए हैं, लखनऊ में रहते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह परिवार यहां लखनऊ से कानपुर जाकर गंगा जी के किनारे पूरा छठ व्रत का पालन करते हैं। क्योंकि इनकी एक कहानी है जो इन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? राधा यादव। राधा यादव। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप लोग ये छठ का व्रत का पालन जो करती हैं, तो आपको कैसे, कब से आपने करना शुरू किया? 15-20 साल हो गया मुझे, 15-20 साल हो गया करते हुए। मुझे मेरी सास करती थी गंगा जी में ही, तो मैं भी सोची कि मैं गोमती नदी नहीं जाऊंगी, मैं गंगा जी जाऊंगी, तभी उठाऊंगी, नहीं तो नहीं उठाऊंगी। बच्चे लोग मेरे कहे कि ठीक है मम्मी, हम गाड़ी लाएंगे, आप चलिए गंगा जी, हम ले चलेंगे कानपुर आपको, आप चलिए, हम आपको छठ कराएंगे गंगा जी में। तो वहीं का हमने प्रवृत्ति यहाँ निभा रहे, अभी तक मैं गंगा जी ही जाती हूँ, कानपुर जाती हूँ, फिर रात में लौट के आ जाती हूँ, घर में कोसी भरती हूँ अपने आंगन में। ये भी एक शुभ होता है कि बच्चे कोसी भरा जाए तो बहुत अच्छा होता है, आंगन में अपने कोसी भरिए। तो अब फिर रात में 2-2.5 बजे उठ के हम लोग फिर जाते हैं, और सुबह का अर्घ देकर सूर्य भगवान को तब 10 बजे तक लौट आते हैं हम लोग। अच्छा, तो मतलब यहाँ से आपका बार बार आना जाना होता? हाँ, दो बार होता है। अच्छा माता जी, हमें ये बताइए कि आप ये जो ठेकुआ बना रही हैं, इसमें क्या क्या मिलाती हैं? चीनी मिलाते हैं, देसी घी मिलाते हैं, खोआ मिलाते हैं, खोआ कम मिलाते हैं क्योंकि फूट जाएगा तो कढ़ाई में से गिरने लगेगा, तो इसलिए थोड़ा मिलाते हैं। हाँ, इसमें खस्ता घी या खोआ सान देते हैं आटे में, उसके बाद अपना पानी से वो करके सान के, शुद्ध पानी रखते हैं अपना मोटर चला के, उसी से अपना सान के शुद्ध बनाते, किसी को आने नहीं। अब इसको बना लिया तो इसको हाथ उधर बाहर जाके नहीं धोएंगे, अंदर ही बर्तन में धो लेंगे, तब जाके दूसरी पानी से धोएंगे इसको। अच्छा। ऐसे नहीं धोएंगे क्योंकि ये इसका दूसरी जगह पानी गिरना नहीं चाहिए, इसीलिए इस हाथ को यहीं पर शुद्ध से धो लेंगे, तब जाके दूसरा पानी से धोएंगे, तब कोई काम करेंगे घर का हम। अच्छा माता जी, ये बताइए कि आपके यहाँ ये जो जिन बर्तनों में आप बना रही हैं, हाँ, ये ठेकुआ बना रही हैं, ये कितने पुराने हैं, कितने सालों से आप लोग उपयोग करते हैं इसका? बहुत पुराने, वो सूप मेरे कम से कम 20-25 साल पुराना हो गया, पीतल का सूप है। देखिए, हमारी दादिया सास थी, उनको बड़ी शौक था कि मैं पीला पहनूंगी, पीले से अर्घ दूंगी, पीले पीले सब करूंगी। तो पीला पीतल, भाई देखिए, पहले को वो था तो पीतल के सूप ले आई थी, पीला कपड़ा पहनती थी, पीतल के बर्तन में बनाती थी। पीतल के बर्तन देखिए शुद्ध होता है, अल्मोनियम के बर्तन, स्टील के बर्तन शुद्ध नहीं होता है। तो आपकी दादिया सास जब ये करती थी, और ये बर्तन भी तो उतने ही पुराने होंगे, तो फिर नहीं, तो नहीं, नहीं, से ज्यादा होगा। नहीं नहीं, फिर मैं लखनऊ में आकर अपना खरीदी हूँ, खरीद के तब मैंने अपना सब धीरे धीरे कर करके, हमने कहा हम भी पीतल में ही करेंगे, पीला पहनेंगे, पीले से अर्घ दूंगे, अब पीले में बनाऊंगी मैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी बहू भी हम देख रहे हैं कि आपके बगल में ही है, तो कब ये आई, आपसे ही हम पूछेंगे कि आप कब यहाँ ब्याह के आई और कैसे इस परंपरा से जुड़ गई हैं आप? मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी, तब से ये मेरा दूसरा छठ पूजा है, तब से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो जब आप ये जुड़ी, क्या आप लोगों के यहाँ भी छठ पूजा होती है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं होती, हम एक्चुअली यूपी के हैं, तो अब मैंने शुरू किया, इस बार मेरा पहला व्रत है। अच्छा, तो कैसा, मतलब आप अभी तक जो व्रत, चूँकि बड़ा कठिन व्रत होता हाँ, है, जहाँ तक मुझे पता है 36 घंटे निराजल रहना पड़ता जी, तो सासू माँ से कुछ प्रेरणा मिलती है? हाँ बिल्कुल मिलती, क्योंकि वो काफ़ी सालों से रह रही हैं और अच्छे से निभा रही पूजा को, तो मुझे तो काफ़ी प्रेरणा मिली है, तभी मैंने इस बार रहने का सोचा पूजा। अच्छा, तो ये जो ठेकुआ आप बना रही हैं जी, जिससे बना रही हैं, ये कितना पुराना होगा? वही 20-25 साल पुराना? हाँ, 20-25 साल हो गया। हाँ, 20-25 साल हो गया। बहुत तो मतलब ये तो काफी अच्छा लग रहा होगा आपको। हाँ, कि आप जिस दादी जी के सांचे से बना रही हैं जी, दादी सास का है।
जी ये भी बहुत पुराना है साचा। तो ये अच्छी बात है कि देखिए अपनी परंपरा का जिस तरह से आप लोग पालन कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। आप तो आपके पति हैं, आप लोगों को भी ये सब जो यहाँ रखा हुआ है हम देख पा रहे हैं, सब फल इत्यादि सब रखा हुआ है, लगभग 10-12 प्रकार के फल होंगे यहाँ जो इस सीज़न में होते हैं, ये सब यहाँ रखा हुआ है। तो आप कब से ये देख रहे हैं? मैं बचपन से दादी जी के घर जाया करता तो ये सब देखा करता था, छठ की छुट्टियों में ही जाने को मिलता था, और उस टाइम से मन में एक क्रेज था कि अरे मेरी मम्मी कब करेंगी, फिर हम तैयारी करेंगे, ये वो सोचते 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 वो टाइम आ गया। फिर मम्मी ने जब करना शुरू किया तो हम लोग सारी तैयारी करते हैं, और मुझे खुद इस छठ को करते हुए ये मेरा तीसरा साल है। अच्छा, हाँ मेरा खुद का भी व्रत है, मैं भी छठ का, हाँ मैं भी छठ का व्रत करता हूँ। ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि जो छठ पूजा में महिलाएं व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने पतियों के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन पति किसके लिए व्रत रखते हैं ये बड़ा जानना। हम ये नहीं कह सकते कि हम व्यक्तिगत किसी चीज़ के लिए रखते हैं, बस एक मन में आस्था होती है कि हमें ऊपर वाले ने जो सब कुछ दिया ये उनकी कृपा और उन्हीं का आशीर्वाद है जो हमारे पास आज सब कुछ है, और हमारे परिवार के पास हमेशा संपन्नता बनी रहे जिसके कारण हम इस प्रथा को आगे जारी रखे हुए हैं। और मन में एक आस्था थी कि मैं भी इस व्रत को करूंगा, छोटा था तो हमेशा देखता था कि जेंट्स लोग भी करते हैं और सिर्फ धोती पहन के पानी में खड़े रहते हैं, इनको इतनी ठंड लग रही है, लेकिन फिर भी वो चीज़ों से पीछे नहीं हटते थे। तो तभी से मन में एक निश्चय बना रखा था कि मैं भी इस चीज़ को करूँगा। मैं यस मेरा भी व्रत है, मैं हूँ, मैं व्रत हूँ अभी। जब से मेरी तबीयत खराब रहने लगी, तो मैंने क्योंकि मम्मी की मेरी तबीयत खराब रहती थी, तो परंपरा टूटेगी नहीं। मम्मी तुम चाहे जिस दिन तबीयत खराब हो मैं करूँगा, अगर मैं ये हो जाऊँगा तो मेरी बीवी आएगी तो वो भी कराऊँगा, लेकिन इस घर का छठ का परंपरा तोड़ूंगा नहीं मैं, इनका ये निर्णय था। मतलब जो दादी से परंपरा चली है, पर दादी से आपके, उस परंपरा को आपकी माता जी जब निभाने में थोड़ी अस्वस्थता उनको होने लगी तो आपने ये उठा लिया था। हाँ, मुझे लगा कि मम्मी इसको करने में थोड़ी असुविधा महसूस कर रही हैं तो ये परंपरा जारी रहनी चाहिए, तो मैंने स्वयं इस चीज़ को जारी किया और मुझे इस चीज़ को करते हुए 5 साल हो चुके हैं। मैंने बताया भी नहीं किसी को, बात हम आपसे नाराज़ ना हो, मैंने मम्मी को भी नहीं बताया क्योंकि मम्मी जानेंगी तो नाराज़ होंगी कि बच्चा कर रहा है। अच्छा, मतलब ये देखिए कितनी अनूठी बात है, कितनी अनुपम बात है जिसकी किसी से उपमा नहीं की जा सकती, तुलना नहीं की जा सकती। ये हमारी सांस्कृतिक जो पहुंच है किसी बच्चे के पास तक, किसी परिवार में एक छोटे से सदस्य के पास तक, कि अगर माँ असमर्थ है तो बेटा अपनी माँ के स्वस्थ होने के लिए या परंपरा न टूटे उसके लिए ये व्रत रख रहा है। ये सांस्कृतिक पहचान भारत में ही है और कहीं नहीं है। बाबूजी, आप अपनी दादी, इनकी परदादी यानी आपकी दादी हुई जी, तो उनको देखे हैं आप व्रत करते हुए? हाँ, काफ़ी दिनों से है, हम तो बचपन से देखे, दादा दादी सब लोग करते थे, हम लोग बस से जाते थे गंगा जी, वहीं पर सब होता था छपरा में, तो वो सिलसिला बना रहे। हम जब यहाँ लखनऊ आ गए, नौकरी किया, सब कुछ रहा, संपन्नता भगवान ने दिया, आज बच्चे सब लोग उस लायक हैं, तो वाइफ ने कहा कि भाई हम तो गंगा जी भी माता जी ने करती थी, हम उन्हीं के साथ इसी तरह करेंगे, तो हमने कहा ठीक है, भगवान ने सब कुछ दिया है, आप तैयारी करिए, हम भी तैयारी करते हैं, आपको ले चलेंगे, और हम परंपरा अभी तक भगवान माता रानी कृपा मतलब बनी है। छपरा में आप, चूँकि गंगा जी में आपकी परदादी दादी हाँ सभी लोग करते, माता जी जी वहाँ गंगा जी के किनारे करती रही हूँ। हाँ, गंगा जी किनारे करते, आप लोगों ने गंगा जी के ही किनारे, हाँ गंगा जी किनारे करने का सोचा, और जो परंपरा अभी तक माता रानी कृपा से लगातार चल रहा है वो आगे भी चाहेंगे कि बच्चे हमारे इस परंपरा को निभाते रहें, ये बहुत खुशी होती मुझे, और ये बताते हुए कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश आज भी बरकरार है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका परिवार ऐसे ही फले फूले, छठी मैया आप लोग को ऐसे ही संपन्नता प्रदान करें, क्योंकि ये छठ का जो पर्व है, हम भी बचपन से, चूँकि हमारे यहाँ छठ ललई छठ एक होती है वो मनाया जाता है, लेकिन इस छठ पूजा को जब हम देखते हैं, जब हम बनारस में रहते हैं तो गंगा जी के किनारे, जब हम लखनऊ आए तो गोमती जी के किनारे,
और अब आप लोगों को जो हमने सुना कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मन प्रफुल्लित हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत मजबूत हैं जी। और सूर्य भगवान के इस पर्व में हम जैसे हमारी सभी माताएं लोग बनाया करती हैं ठेकुआ, इसको महाप्रसाद कहते हैं, जिससे सूर्य भगवान को अर्घ देते समय भोग लगाया जाता है। और ये हम जितने फल खरीद के लाते हैं उसके साथ में इसको मीठा बना के उनको अर्पण किया जाता है, जिससे हमारा धन धान बना रहे और सारी संपन्नता पूरी रहे। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद अगले ही सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, इसमें सूप का उपयोग किया जाता है, तो क्यों किया जाता है? ये शुद्धता के हिसाब से इस त्यौहार में सबसे अच्छी बात है कि जितना अच्छा शुद्ध और साफ रखेंगे उतने ही हमारे मन को शांति मिलती है, समाज को शांति मिलती है और अपने आप को प्रसन्नता होती है। ये इसलिए कच्चे बांस का बना हुआ होता है जो हम लोग खरीद के लाते हैं, कुछ पुराना भी रहता है, चलता है, इसलिए उसकी शुद्धता के हिसाब से विशेष मान्यता मिलती है इस चीज़ के लिए। जी माता जी, एक मिनट, हम आपके पास आ रहे हैं जी। कभी डूबते हुए सूरज को कोई नहीं प्रणाम करता है, लेकिन एक ये ऐसा छठी मैया की हैं जो सबसे पहले डूबते सूरज को हम सब ले जाके उनके सामने अर्पण करते हैं, उसके बाद उनके आने के दूसरे दिन इंतजार करते, क्योंकि पहले वो करके जाते हैं, तब सुबह हम लोग इंतजार करते अब आएंगे अब आएंगे, तब हम सुबह इंतजार बहुत कराते हैं कि जब आदमी सोचते हैं कि अब निकल जाए भगवान, अब निकल जाए, मुंह सूख रहा है, जल्दी से निकल जाए भगवान, सूरज भगवान, तो हम अर्घ दे लें। अच्छा, हमने ये जो हमें जो जानकारी है कि इसकी शुरुआत जो छठ पूजा की है वो दानवीर कर्ण के समय से मानी जाती है और उन्होंने ही ये पूजा शुरू की है, तो आप लोग ये दान करते हैं? नहीं, ये दान के रूप में हम इतने सक्षम तो नहीं कि हम ऊपर वाले को कुछ दान दे सकें, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इन सब चीज़ों को एकत्रित करके भगवान को भोग लगाते हैं, उनके समक्ष उसको अर्पण करते हैं कि हे भगवान, हमारे सामर्थ्य अनुसार जो भी हमसे हो सका वो हमने आपके समक्ष समर्पित किया, आप इसको ग्रहण करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें, बस यही उपेक्षा के साथ हम उनके समक्ष अर्घ देते हैं और कामना करते हैं कि हे भगवान, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि हम अगले साल फिर इससे अच्छे से तैयार होकर आएँ और इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको भोग लगा सकें और अपनी संपन्नता के अनुसार आपको जो भी हमारी सामर्थ्य हो उसको आपको चढ़ा सकें। देखिए, बिल्कुल ठीक बात कही आपने, जिस तरह से ठकुआ बन रहा है, फल धन धान्य सब कुछ जो सामर्थ्य में, जिस व्यक्ति के जितना सामर्थ्य है उस अनुसार वो कर रहे हैं, और जैसे यहाँ फल रखा हुआ है उसमें सिंघाड़ा है, नारियल है, मूली है, जो सब्जियाँ इस समय में होती हैं वह भी हैं, अमरूद है, संतरा है, और इसके साथ ही साथ ये इधर कीनू फल है, शरीफा है, तमाम जो इस समय फल होता है वह सब कुछ, कच्चा आदि, कच्चा अदरक, ये सब कुछ यहाँ रखा हुआ है और छठी मैया को अर्पण किए जाने की तैयारी है। छठी व्रतियों का व्रत चल रहा है, समाज में शांति आए, लोग सुख समृद्धि से रहें, इसके लिए ऊर्जा की पूजा होती है। सूर्य यानी ऊर्जा के प्रतीक, भगवान आदित्य, भगवान भास्कर, जिन नामों से आप जानते हैं सूर्य भगवान को, संकल्पना केवल एक है कि ऊर्जा की पूजा की जा रही है जिससे लोग ऊर्जान्वित हों और समाज का भला हो, और हमारी सांस्कृतिक विरासत यही कहती है, और इसीलिए तो ये लोग यहाँ से कानपुर जाकर गंगा मैया के किनारे अपने व्रत का पालन करते हैं। कैमरामैन रवि के साथ मैं आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18, लखनऊ।